जय हिंद एवरीवन। सो हम आज अपना पार्ट 3 करने वाले अपने चैप्टर 2 का, जो कि हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे। राइटिंग नहीं थी, द एम्पायर एक्ट ऑफ द 3 कॉन्टिनेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने इससे पहले का आगे पढ़ लिया। जिसने वीडियो नहीं देखी हो जाकर हमारे पीछे वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है क्लास 11th की। तो अब हम शुरू करने वाले सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की में हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे ना कुछ क्लासेस थी, जैसे कि सेनेट्स, इक्वेस्ट्रियन क्लास, फिर उसके बाद दोज हु आर अटैच्ड टू ग्रेट हाउसेस, अनकैप्ड लोअर क्लास, फिर स्लेव्स। जो सीनेट्स थे वो कौन थे? फादर्स हम कहते थे। इक्वेस्ट्रियन क्लास वो लोग हो गए जैसे नाइट्स, हॉर्समैन वगैरह, ये सब कौन हो गए? यहाँ पे देखो लिखा है द इक्वेस्ट नाइट्स एंड द हॉर्समैन, ठीक है, यहाँ कोने पे ये इक्वेस्ट्रियन क्लास है यहाँ, ठीक है, ये इक्वेस्ट्रियन क्लास हो गई। और दोज हु अटैच्ड टू ग्रेट हाउसेस बताने की जरूरत नहीं है कि जो बड़े घरों से लेना देना था, रिलेटिव्स वगैरह, एम्परर्स के, इन सब के, सेनेट्स के, ये सब कौन थे? ये तीसरा था। फिर अनकैप्ड लोअर क्लास वो थे जैसे कि जो स्लेव से थोड़ा ऊपर आते बट जिनका ग्रेट हाउसेस से कांटेक्ट नहीं था, जिनके थोड़े मतलब काम थोड़े अच्छे नहीं थे एज कम्पेयर टू, ये मान लो हम अनकैप्ड लोअर क्लासेस को एग्जाम्पल के लिए दूं तो। और स्लेव कौन थे ये तो तुम्हें पता ही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 3rd सेंचुरी में कि जो सेनेट में ना जो लोग आते थे वो कहाँ से आते थे? वो इटालियन फैमिली से आते थे। बट जब कॉन्स्टेंटीन का जब वो आया एम्पायर है, जो कि हम लेट एम्पायर की बात करें, हमने अर्ली पढ़ लिया, 3rd सेंचुरी पढ़ लिया, तो जब लेट एम्पायर आया था जो कॉन्स्टेंटाइन का जो एम्पायर था, इसमें हम ये देखते हैं कि जो सीनेट में जो लोग थे ना वो दो जगह से आ रहे थे। कहाँ कहाँ से आ रहे थे? वो या तो अफ्रीका से आ रहे थे या ईस्ट ओरिजिन से थे। यहाँ पे देखो ये मैप है, यहाँ मेडिटेरियन सी था बीच में, ये हिस्सा, ये जो पूरा रेड का हिस्सा है ये क्या है? रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर यहाँ थोड़ा अफ्रीका में भी था, है कि नहीं? और ये ईस्ट वाला हिस्सा जहां मैंने बॉक्स बनाया, ये कौन सा हिस्सा था? ये ईस्ट का हिस्सा था, जो कि किसका है? इटालियन, वो इटालियन कह रहे हैं, ईरानियन वगैरह जो यहाँ पे रहते। तो ईस्ट वाले हिस्से को भी रोमन एम्पायर ने एक्सपेंड किया था, और साउथ में भी एक्सपेंड किया था, नॉर्थ में भी एक्सपेंड करने की कोशिश की थी। तो जो लोग यहाँ के लोग थे, जो रिच क्लास थे, वो भी सेनेट में आने की अब कोशिश करने लग गए थे। फिर उस हमने एक जो लेट रोमन एम्पायर में हमने एक चीज देखी कि जो सीनेट था, जो सीनेट हो गए और इक्विस्ट, ये दोनों ने मिलके क्या बना लिया था? एक अपनी एरिस्टोक्रेसी बना ली थी। क्या यहाँ पे लिखा भी होगा? 4th सेंचुरी 2 ग्रुप ऑफ टेक्सियस यूनिफाइड एंड एक्सपेंड, हाँ भाई, इन दोनों ने मिलके एरिस्टोक्रेट बनाया था, एरिस्टोक्रेट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। देखो इन दी अर्ली पार्ट ऑफ द 4th सेंचुरी द फर्स्ट टू ग्रुप कौन से? सीनेट और इक्विस्टिन, मेंशन बाय टैक्टिकस, सीनेट एंड इक्विस्ट, ये बताया, मर्ज इनटू यूनिफाइड एंड एक्सपेंडेबल एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, इनने एरिस्टोक्रेसी बनाई थी। एरिस्टोक्रेसी मतलब एक जो एरिस्टोक्रेट्स थे ये कौन थे? ये रिच लोग थे, बट इनके पास पावर थोड़ी कम थी एज कम्पेयर टू मिलिट्री एलिट्स। मिलिट्री एलिट्स वो लोग थे जो पैसों में कम थे, मतलब इतने ज्यादा अमीर नहीं थे, बट ऑन ग्राउंड पावर उनकी ज्यादा थी, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड आर्मी को कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो इनकी पावर ज्यादा थी बट पैसे कम थे, एरिस्टोक्रेट के पास पैसे ज्यादा थे बट पावर कम थी। यहाँ पे एक मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट आता है। पहला क्लास तो ये मान लो सीनेट एक्विस्टिंग का मिला के एरिस्टोक्रेट्स हो गया, दूसरा मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कौन से? ना स्लेव हुए ना एरिस्टोक्रेट्स हो गए, जो बीच के बचाए लोग हो गए, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आर्मी के लोग हो गए, जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स को सर्व करते हो, ठीक है, जैसे फार्मर्स हो गए, ये सारे कौन हो गए? ये सारे हम मिडिल क्लास के अंदर देखते हैं। फिर जो 3rd क्लास आता है वो कौन सा होता है? ह्यूमिलिटोरिस। ह्यूमिलिटोरिस कौन से होते हैं? जो कि लोअर क्लास होते हैं। लोअर क्लास कौन कौन से होंगे? जो वर्कर्स हो गए, जो कहीं पे एम्प्लॉयड हैं, ये इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं, माइनिंग में काम कर रहे हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, ये सारे कौन हो गए? ये सारे लोअर क्लास में हम इन्हें काउंट करते हैं। फिर यहाँ पे एक चीज आते हैं जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस। जो सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस होते ना, ये वो लोग हैं जैसे मान लो तुम्हारा स्टार्टअप है, ठीक है, आज के टाइम पे बोले तो स्टार्टअप है। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसन थे उनकी ज्यादा अच्छी लाइफ कंडीशन थी एज कम्पेयर टू वेज लेबर। वेज लेबर मतलब जो दिन का मान लो कि दिन के इतने रुपए हैं तो वो इतना अपना काम करे उस हिसाब से पैसे लेके चले जा रहे हैं, तो उससे बढ़िया लाइफ किसकी थी? एन एंटरप्रेन्योर्स की, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसन थे, मैं अगर समझाने के लिए बोलूँ तो, ठीक है। और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स आज भी हमें पाया करते थे ये सब। फिर एक राइटर्स की बात, एक हिस्टोरियन है जिसका नाम क्या है? ओलंपियो डोरस, जो कि एक अम्बेसडर भी था। उसने कहा कि जो रोमन एम्पायर है ना वो एनुअली, मतलब समझो एनुअली मतलब साल का
4000 pound, LBS क्या होता है, पाउंड होता है, ठीक है, 4000 pound का जो सोना है वो सेव कर लेता है। मान लो तुम्हारी इनकम 100 रुपए है, तुम्हारा एक्सपेंडिचर 20 रुपए, तो सेविंग कितनी, 80 रुपए। सोचो ये 80 रुपए क्या है, ये 40,000 pound गोल्ड है, 80, ठीक है। तो तुम्हारी ये क्या कहता है, एक्सपेंडिचर 20 हुआ, इनकम 100 हुआ। तो सोचो ये तुम्हारी कितनी, या रोमन एम्पायर में कितना वैल्यू हुआ करता था, वही चीज बताया, नॉट काउंटिंग द प्रोड्यूस दे कंज्यूम डायरेक्टली, वही 20 को हमने एक्सक्लूड कर दिया, जो कि मैंने अभी ऊपर समझाया था। जो मिलिट्री सर्विस की हम बात करते हैं, इस टाइम पे ना जो सिल्वर बैक्ड करेंसी थी, जो कि स्पेनिश से जो सिल्वर माइंस आती थी, वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो जो कॉन्स्टेंटिन आया, कॉन्स्टेंटिन कुछ भी कह लो, ठीक है, ये जब आए तो इनने क्या किया, इनने कहा कि यार सिल्वर के बदले हमें कुछ तो चाहिए, तो इनने गोल्ड बैक करेंसी जो थी वो निकालनी शुरू की, जो सिक्के थे वो अब सोने के बनने लग गए थे इस टाइम के पीरियड के बाद। फिर जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे, एक तो ब्यूरोक्रेसी में ना रोम के जो ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे लोग मोस्टली इसलिए आते क्योंकि एक तो पोजीशन ऊंची थी, हाई और लाइक सोफेस्टिकेटेड पोजीशन थी। उसके बाद यहाँ पे जो सैलरी मिलती थी वो किस में मिलती, गोल्ड में मिला करती, क्योंकि सिक्के ही अब गोल्ड गया। और फिर इन्हें कहाँ इन्वेस्ट करते थे वो लोग, लैंड में। ये तो पहला रीजन था। दूसरा कौन सा रीजन था, करप्शन। कुछ लोग जाते भी हायर लाइक एरिस्टोक्रेसी में इसलिए थे क्योंकि उन्हें करप्शन करने का मौका मिलता था, उन्हें खूब पैसे कमाने का मौका मिलता था, और उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता था एक्सेप्ट द किंग। ये बात समझ आ गई। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया था, कई सारे लॉज लेके आए थे जिसकी वजह से करप्शन कम हो जाए, बट होता नहीं था। लोग कुछ ना कुछ बहाने इधर उधर से देख लेते कि कहां से मुझे बचना है, कैसे बचना है, ये सब माना गया था। अब मान लो यहाँ पे किंग है, किंग क्या करता था, अगर कोई भी आदमी, जो कोई भी आदमी अगर किंग के खिलाफ बोलता था, किंग उसके लिए कोई क्या कहते हैं उसे सजा सुना देता था कि जाओ इसे कोड़े मार के आओ, कोड़े लाइक हंटर से मारना था, या इसे कोई सजा दे दी जाती थी। तो जैसे ही अगर लोग जो थे वो किंग के खिलाफ कुछ भी कहते या बड़े ऑर्डर्स के खिलाफ कुछ भी कहते, तो उन्हें सजाएं मिलती थी। यही चीज में मेंशन किया, दिस एलिमेंट ऑफ क्रिटिज्म वाज रिमार्केबल फीचर ऑफ क्लासिकल वर्ल्ड, रोमन स्टेट वाज ऑथोरिटेरियन रिजाइम, इन अदर वर्ड डिसेंट वर रेयरली टॉलरेटेड। अब उन्हें क्या करता, एकदम से टॉलरेट किया जाता था, गवर्नमेंट वर यूजली रिस्पॉन्ड प्रोटेस्ट विद वायलेंस। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी करोगे तो गवर्नमेंट एकदम वायलेंस का यूज करके तुम्हें सप्रेस करने की कोशिश करती थी इस टाइम पीरियड बाद। बट एक टाइम पे हम देखते हैं ना कि 4th century के बाद ना एक कुछ लॉज आने लग गए जिनने क्या किया, गवर्नमेंट के उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने लगे थे। अगर तुमने पॉल साइंस पढ़ी है, पॉल साइंस में एक चीज है, ठीक है, पॉल साइंस में एक चीज है जिसे हम कहते हैं FR, फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। इसमें क्या मेंशन किया गया कि इनमें कुछ राइट्स हैं जो सबको मिलेंगे, और इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट क्या कहते हैं उसे एक्सप्लॉइट दीज राइट्स, यही चीज बता रखा है। तो इस टाइम पे भी कुछ राइट्स आने लगे थे जिसकी वजह से जो किंग थी, जो अथॉरिटेरियन थी, उनकी पावर धीरे धीरे करके कम होने लग गई थी। फिर अगर आप किसी को इतना सप्रेस करोगे, एक टाइम आएगा कि वो नीचे वाला जो लोअर क्लास है वो आपको क्या करने लग जाएगा, आपको एज अ आपके खिलाफ रिवोल्ट ये सब स्टार्ट कर देगा। फिर यहीं पे हमें एक पावरफुल बिशप है जिसका नाम कहता है एम्ब्रोस। इसने क्या कहता है, कन्फ्रंट किया था किसी पावरफुल एम्परर को, जो कि यूज करता था एक्सेसिवली हार्श और रिप्रेसिव टू हैंडलिंग द सिविलियन पॉपुलेशन। भाई उसने एक टाइप से कन्फ्रंट किया था पावरफुल एम्परर को, क्यों, क्योंकि वो हार्श मेथड यूज करता था जिसकी वो सिविल पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए। अगर सिविल पॉपुलेशन उनके खिलाफ रिवॉल्ट या फिर रिवॉल्ट कर रहा, वो एक टाइप से कुछ भी अगर गलत शब्द बोल रहे हैं धरने में बैठे, तो जो किंग होता था उन्हें एकदम कुछ बहुत कड़ी सजा सुना देता था या कोई हार्ड स्टेप लेता था। तो एम्ब्रोस इसी के खिलाफ खड़ा हुआ एज अ किंग के खिलाफ कि ऐसा नहीं करना चाहिए ये। तो जब हम लेट एंटीक्विटी पढ़ते हैं, इसमें हमें पता चलता है रोमन एम्पायर कैसे एक टाइप से खत्म होता है, ठीक है, यही चीज हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जब हम चीज देखते हैं रोमन एम्पायर ना, यही कैसे खत्म होता है, एक टाइप से उसका ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप लाइक इन अ सेंस ऑफ कैसे वो टूटता है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेकअप वर्ड लिखा है उसका मतलब यही है कि वो कैसे टूटता है। उसके लास्ट स्टेजेस पे था रोमन एम्पायर इन द फाइनल सेंचुरीज। जब बात करते हैं कॉन्स्टेंटिन की रिलीजियस की रीजन की, रिलीजियस कह रहा हूं मैं थोड़ा, तो इसमें कॉन्स्टेंटिन ने ना एक क्रिश्चियनिटी को ना ऑफिशियल अपना रिलीजन मान लिया था कि ऑफिशियल रिलीजन होगा। इसी टाइम पे ना इस्लाम भी क्या होता है, एमर्ज हो रहा था 7th century में। फिर हम एक चीज देखते हैं कि जो यहाँ पे ना एक किंग की बात की गई है जिसका नाम है डायो
स्लिटियन, इसने कहा था कि डायस लिटियन ने सोचा कि यार मेरा एम्पायर बहुत बड़ा है, तो इसने थोड़ा बहुत एम्पायर को कटबैक करना चाहिए, थोड़ा बहुत से काटना चाहिए। अब वो कैसे काटेगा, जो हिस्से कम स्ट्रेटेजिक है जिनमें ज्यादा पैसा वैल्यू हम खर्च कर रहे हैं उन्हें, उन हिस्सों को छोड़ देना चाहिए, उन्हें फ्री कर देना चाहिए। उन्हें ये भी कहा कि हमें अपने रोमन हिस्से के जो फ्रंटियर्स हैं उन्हें फोर्टिफाई करना चाहिए, जो सिविलियंस हैं उन्हें हमें मिलिट्री फंक्शन से दूर रखना चाहिए, और फिर जो हमें ऑटोनॉमी देनी चाहिए किसे, मिलिट्री कमांडर्स को। मिलिट्री कमांडर्स को क्या कहते हैं, ड्यूसेस कहते हैं। ऑटोनॉमी मतलब एक टाइप से फ्री, थोड़ा और ज्यादा लिवरेज और टाइप से फ्रीडम देना चाहिए किसे, मिलिट्री कमांडर्स को, जो कि क्या बनते हैं, और एक पावरफुल एक ग्रुप बनते हैं। जब कॉन्स्टेंटाइन का जब टाइम आया उसने एक कॉइन मतलब इन्हीं चीजों को फॉलो किया, और उसके बाद उसने कुछ भी अपने हिसाब से भी कुछ चेंजेस किए, जैसे कि उसने कॉइन इंट्रोड्यूस करके जिसका नाम था सॉलिडस। सॉलिडस क्या था, 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड, इसे हम क्या कहते थे, सॉलिडस कहा करते थे। सॉलिडस वर मिंटेड, अब इन्हें क्या किया गया, उन्हें ना बहुत लार्ज स्केल पे बनाया गया और काफी जगह उसे सर्कुलेट किया गया। जब रोमन एम्पायर खत्म हो गया था ना उसके बाद भी हम ये देखते हैं सॉलिडस काफी टाइम तक चला था। तो कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया था, अपना एक कैपिटल रोम का दूसरा कैपिटल स्टैब्लिश किया था जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंटाइन नोपेल। अब ये क्या था, आज के टाइम पे इस्तांबुल जो टर्की में उसके पास का था। अभी जो हिस्सा था वो तीन जगह पानी से सराउंडेड था। उसके बाद जब हम बात करते हैं ये जो कैपिटल था वो अब कैपिटल बन रहा है, कैपिटल बनेगा तो सीनेट भी बनेगा, एरिस्टोक्रेट्स आएंगे। अब क्या होगा, गवर्नमेंट बॉडी और एक्सपेंड होती है, हमें इस टाइम पे दिखती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग आते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, फिर एक एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन देखने को मिलती है इस कैपिटल में, क्योंकि ये तीन हिस्सों से कवर है। अब मान लो अगर तुम इंडिया का सदर्न हिस्सा देखो, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे अरेबियन सी है, तीनों हिस्से से कवर्ड है। यहाँ पे काफी सारे हमें पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, तो जब हम ये चीज देखते हैं तो पोर्ट्स होगा, ट्रेड होगा, ट्रेड होगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो लोगों के पास लेबर्स हायर करेंगे, लेबर हायर करेंगे तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इधर उधर अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इस कैपिटल एक टाइप से फ्लरिश होता हुआ हमें दिखता है। फिर जो गवर्नमेंट होती है वो क्या कहते हैं, ऑयल प्रेसेस में, इंडस्ट्रियल में, ग्लास फैक्ट्रीज में, नई नई टेक्नोलॉजीज में, इन सब में क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करती है गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो पैसे मिलेगा, तभी तो कंट्री क्या होगी, प्रॉस्पर करेगी। फिर जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रॉस्पेरिटी की, हम यहाँ पे देखते हैं कि इस टाइम पे ना जो रोमन एम्पायर था में काफी वेल्थ आ रखा था। अगर हम एक एग्जाम्पल लें इजिप्ट का, इजिप्ट में 35,000 पाउंड ऑफ गोल्ड इजिप्ट एज अ टैक्स मतलब एज अ टैक्स देता था किसे, रोमन एम्पायर को। यहाँ पे लिखा भी है इजिप्ट कॉन्ट्रीब्यूट टैक्स ऑफ ओवर 2.5 मिलियन सॉलिडी, मतलब इसका कितना हुआ 35,000 पाउंड ऑफ गोल्ड इजिप्ट किसे देता, रोमन एम्पायर को। इतना गोल्ड, इतना पैसा, इतनी पॉपुलेशन, हम अगर आज के कंपैरिजन में करें 20th सेंचुरी में अगर अरेबियन पेनिनसुला का देखें और उस टाइम के 4th-5th सेंचुरी के अरेबियन पेनिनसुला का देखें, तो इतना पैसा, इतना गोल्ड ना जो हम उस टाइम था वो इस टाइम पे भी नहीं है, 20th सेंचुरी में भी इतना पैसा नहीं है जितना उस टाइम पे हुआ करता था। लार्ज पार्ट ऑफ नियर ईस्टर्न सेंचुरी वर मोस्टली डेवलप्ड, वेरी डेंसली पॉपुलेटेड था 4th-5th सेंचुरी में। आज के टाइम पे भी अगर हम देखें तो उतना हमें डेवलपमेंट या फिर उतनी चीजें, उतना पैसा हमें देखने को नहीं मिलता, यही इस पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है। फिर जब हम रिलीजियस की बात करते हैं, जो रोमन एम्पायर था वो किसमें बिलीव करता, पॉलीथिस्टिक में, मतलब कि ए रिलीजन प्लस बी रिलीजन प्लस सी प्लस डी, सारे क्या रहेंगे, हारमोनी के साथ रहेंगे। ए वाला चाहे तो बी में कन्वर्ट हो सकता है, बी वाला डी में, डी वाला सी में, सी वाला बी में, सी वाला ए में, मतलब कोई भी किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट हो सकता है। हम ये चीज देखते हैं इस टाइम पे, हम ये देखते हैं कि सारे रिलीजन एक साथ है, तो रोमन इटालियन जो गॉड थे जुपिटर जूनो मिनर्वा मार्स सब एक साथ इन सब की वर्शिप करते थे। हमें यहाँ थाउजेंड ऑफ टेम्पल्स मिले हैं, श्राइन्स मिले हैं, सेंचुरियंस मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ का कोई रिलीजन में एक ही नहीं था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे, सारे एक साथ रहा करते थे। फिर जब एक नया रिलीजन इमर्ज हुआ द एम्पायर द ओल्ड रिलीजन जो जुडाइज्म था, इसमें भी हमें मोनोलिथ देखने को नहीं मिलता। मोनोलिथ एक टाइप से ये हो गया कि मेरा रिलीजन सबसे बढ़िया है, मतलब मेरे रिलीजन के अलावा कोई सामने खड़ा नहीं रह सकता। ये चीज क्या थी, मोनोलिथ्स का मतलब होता था। जो जुडाइज्म में भी हमें क्या, मोनोलिथ्स नहीं देखने को मिलता है। फिर क्या होता था, क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द एम्पायर इन द 4th and 15th सेंचुरी वॉज ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, पर्सम डिड नॉट डिसअपीयर ओवरनाइट स्पेशली। अब क्या, जो क्रिश्चियनिटी थी ना वो एक टाइप से ज्यादा फ्लरिश करने लगी, तो लोग आते थे क्रिश्चियनिटी में रहते थे, बट एक जो डीप रूट थी ना कि
मैं सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही नहीं मानूंगा, बाकी रिलीजन को भी मानूंगा, ये अभी भी रोमन एम्पायर में बहुत डीप रूट करके बैठी थी। तो इसे उखाड़ फेंकना एक बहुत मुश्किल चैलेंजिंग हुआ करता था। वेदिक क्रिश्चियनिटी वेजेस जून बैटलिंग अगेंस्ट द बिलीफ प्रैक्टिस दे कंडेम मोर देन द क्रिश्चियनिटी लेट्सी क्रिश्चियनिटी द प्रोसेस बाय विच क्रिश्चियनिटी स्प्रेड अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बिकेम डोमिनेंट रिलीजन। अब देखो, एक चीज जब क्रिश्चियनिटी आई ना, तो एक टाइप से अपना डोमिनेंस दिखाने लगी कि मेरा ही रिलीजन सबसे बेस्ट है, बाकी और रिलीजन मेरे से बढ़िया, मेरे से अच्छे नहीं है। ये चीज क्या थी, क्रिश्चियनिटी शोकेस करने लग गई थी। फिर हम धीरे धीरे देखते जब इस्लाम आता होता है, इस्लाम फ्लरिश होता है, तो इस्लाम में भी कुछ इसी टाइप का दिखता है हमें। यहाँ तक बात क्लियर है, यही चीज बता रखा है। फिर जब हम बात करते हैं ईस्ट, जहाँ पे पॉपुलेशन, देखो रोमन एम्पायर में ना, यहाँ पहले देखो लेफ्ट साइड में, यहाँ वेस्ट है, ये ईस्ट है। रोमन एम्पायर सबसे पहले वेस्ट का टूटा था, फिर ईस्ट का स्टिल एक टाइप से पिलर स्ट्रॉन्ग खड़ा था। जो ईस्ट साइड थी ना, वहां पे क्या था, पॉपुलेशन ज्यादा एक्सपेंड हो रही थी, जहां वहां पे क्या एक प्लेग भी आया था जिसकी वजह से पॉपुलेशन गिरी थी मेडिटेरियन, बट स्टिल वहां पे पॉपुलेशन क्या होती, एक्सपेंड होती। अब वेस्टर्न एम्पायर गिरा कैसे, जब मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो जर्मेनिक ट्राइब्स थी उनने क्या किया था, वेस्टर्न हिस्से पे जब उनने राइन और डानूब जो नदी थी उसे क्रॉस करके जब नीचे आ रहे थे, तो वहां के लोग अपना घर ये सब छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, अपने हिस्से को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। इसी वजह से क्या हुआ था कि जो वेस्टर्न रोम था वो सबसे पहले कोलैप्स कर गया, और फिर हम यहाँ पे जिसे आपको नाम दिख रहे, मैं सर्कल कर रहा हूं, ये सारे क्या हुए, ये सारे के सारे वेस्टर्न हिस्से में से निकल के बने, जो वेस्टर्न हिस्सा जब टूटा उसमें से ये निकल के बने थे। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर जब हम बात करते हैं मिडिवल की, इन हिस्सों को ना हमने लाइक मिडिवल में हम काउंट करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलूं तो यही चीज है। हाईएस्ट वाटर, अब आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये वाली, ये क्या था, ये एक टाइप से कोलोजियम था जिसके 79 सेंचुरी का, जिसमें ग्लैडिएटर जो क्या कहते हैं वाइल्ड जानवरों से लड़ा करते, और इसकी एकोमोडेशन 60,000 पीपल इसमें एकोमोडेट कर सकते थे, यही इस पिक्चर में मेंशन किया गया। एक बार अच्छे से देख लीजिए, जो कि वेस्टर्न हिस्से में था, और उस टाइम इसीलिए जब कोलैप्स हुआ तो इसका काफी ज्यादा हिस्सा जो था टूट गया था। फिर चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया अफ्रीका वायरलेस। अच्छा हाँ, ये जो जस्टिन, ये कहाँ गया, ब्लड फेजर जस्टिनिया था, ये वर्ड याद रखना ठीक है, हम आगे अभी पढ़ेंगे। अब क्या हुआ था ना, धीरे धीरे करके ना, कि जैसे मैंने बताया था कि वेस्टर्न हिस्से पे कब्जा होने लग गया था, ये सब होने लग गया था, तो जस्टिनियन ने क्या किया था, रिकैप्चर किया था अफ्रीका, रिकैप्चर अफ्रीका फ्रॉम वेंडलास। बट इस चक्कर में ना इटली जो सिटी थी वो पूरी तरीके से तबाह हो गई थी, और वेंडलास ने क्या किया था, वापिस डिसवासियन पेव द वे फॉर लोम्बार्ड्स इन्वेजन, और फिर लोम्बार्ड्स ने क्या किया था, इटली को कैप्चर कर लिया था। मतलब एक टाइप जस्टिन ने वेंडला से लिया था, वेंडल से लिया था, और फिर उसके बाद जब जस्टिन वापस उस पर रूल करने लग गया, तब लोम्बार्ड्स ने क्या आके छीन लिया था उसे, किसे, इन हिस्सों को, वेस्टर्न के जो हिस्से थे। तो लाइक यही चीज छीना छीनी चल रही थी, छोटी मोटी लड़ाइयां इस हिस्से में हमें चलती हुई देखने को मिलती है। जब 7th सेंचुरी के बारे में हम बात करते हैं, तो 7th सेंचुरी में ना रोम के ना ईरान के साथ लफड़ा हो जाता है, ईरान की रोम से लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। ईरान में इस टाइम पे कौन था, ससानियंस थे, जो कि ईरान को रूल करते 3rd सेंचुरी में। फिर उन्होंने क्या किया, एक मेजर अटैक किस पे किया था, ईरान पे मेजर अटैक किया था, और इसके बाद क्या है, व्हेन बिजेंटाइंस ऑफ द रोमन एम्पायर वाज नाउ इंक्रीजिंग नोन रिकवर्ड दीस प्रोविंसेस, इट वाज जस्ट अ फ्यू इयर्स, बट रोमन एम्पायर ने वापस उन पे रिटेलिएशन किया, फिर उस हिस्से को जो ईरान ने कैप्चर किया था, रोमन ने वापस उसे कैप्चर कर लिया। बट उसी के बाद क्या हुआ, अरब्स का अटैक, मतलब लाइक रोमन को कोई फायदा नहीं हुआ उसे वापस कैप्चर करने में, क्यों, क्योंकि अरब्स का अटैक होता है, और अरब्स पूरे सदन, ये देखो आप मैप देख रहे हो, ये आपको अरेबिया दिख रहा है, ये पूरा क्या है, यहाँ पे पूरा इस्लाम ये सब इस्लाम वगैरह फैल गया, तो इन्हें पूरा हिस्सा ये जो था कैप्चर कर लिया था अरब्स ने। तो यही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दीज
एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अरब हैज बीन कॉल्ड द ग्रेट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन एवर अकर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। 642 में क्या हुआ था, एक पहले तो सबसे ज्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट चीज हो गई थी, एक टाइप से इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन माना गया था, जब इस्लाम एक टाइप से इमर्ज हुआ और अपने आप को एक्सपेंड करने लग गया था। बाय 642 बेली 10 ईयर जैसी प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई, 10 साल के अंदर अंदर ही लार्ज पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर क्या हुआ, सासानियन एम्पायर जो था किसके अंडर फॉल हो गए थे, अरब के अंडर फॉल हो गए थे। चैनिंग कॉन्फ्रंटेशन हाउ वी शुड बी, और क्या हुआ था कि एक्सटेंड, और इनने जो अपना एम्पायर था स्पेन तक, सिंध तक, सेंट्रल एशिया तक, ये सब इस्लाम ने क्या किया, अपने एम्पायर को फैला लिया था। अरब ट्राइब बाय इमर्जिंग इस्लामिक स्टेट फर्स्ट फ्यू अरब्स, तो इसके बारे में ना अब अगले चैप्टर जो होगा, यहाँ पे थीम 2 लिखा गया है, ठीक है, तो जो हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसके आगे का बता रखा है कि कैसे इस्लाम जो था इमर्ज होता है, कैसे उसने क्या चीजें फॉलो की थी, क्या नहीं की थी। तो बेसिकली हमने लेट इसमें ये चीज देखा कि अगर हम वापस शुरू करते हैं तो कहाँ गया इतना, अरे अच्छा ना इतना पढ़ा देगा, इसमें हमने ये देखा कि रोम कैसे शुरू होता है और रोम कैसे एंड होता है, काफ़ी सारे लीजन होते हैं, कुछ जो एम्पायर्स आते हैं वो अपने हिसाब से अपने इस रोमन एम्पायर को बचाने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, बट धीरे करके रोम जो था धीरे करके कोलिजन की तरफ जा रहा था। फिर रिलीजन का कैसे रोल था, कैसे क्रिश्चियनिटी एमर्ज हुई, कैसे इस्लाम एमर्ज हुआ, कैसे जो रोम और आर्यन थे इस्लाम रूलर के अंदर आ गए थे, ठीक है, इस्लाम एम्पायर के अंदर आके कोलैप्स हो गए थे, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी है। तो अभी के लिए जय हिंद और मिलते हैं अगले।